किसी का एक नंबर से रह जाता है, किसी का एक नंबर से हो जाता है, कोई तो होगा जो देख रहा होगा, यही सोच के कोई तो होगा देख रहा होगा, अगर ईमानदारी से करें तो हो ही जाएगा। सोनू निगम जो गाना तो आपको गा के नहीं सुनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज इनकी बात, इनकी जर्नी से बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट होने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ हैं सोनू निगम, जो गाना तो आपको गा के नहीं सुनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज इनकी बात, इनकी जर्नी से बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट होने वाला है। इनसे मैंने मतलब पहली बार हुआ है, मतलब 10-11 सालों में, कि कोई बच्चा है जो घर आके, आज घर आए हैं ये हमारे, क्योंकि नोएडा में ही रहते हैं, और इनके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं इनकी जर्नी ना हर एक एस्पिरेंट को कनेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं इस सक्सेस इंटरव्यू जो जर्नी हम शेयर करने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बेनिफिट होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो सोनू आपका स्वागत है, तो पहले तो बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से हैं और कब से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहले तो। सर मैं 2006 से यहीं नोएडा में ही रह रहा हूँ फैमिली के साथ, और लगभग जुलाई 2022 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की बैंकिंग जॉब की, और वही 3-4 महीने की प्रिपरेशन के साथ मैंने एग्ज़ाम्स दिए। उस साल तीनों पीओ के एग्ज़ाम दिए मैंने, और उसमें केवल मेरा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस में मैं फेल हो गया था, मेरे रीजनिंग में 0 मार्क्स आए थे मेंस में आईबीपीएस पीओ के, और फिर जनवरी में रिज़ल्ट आया तो मैं फेल हो गया। फिर 2-3 महीने मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी, फिर मैं जॉब कर रहा था TCS में, तो मैं सोचा देखते उधर। फिर मैं मई 2023 में वापस से लग गया, और इस साल मैंने तीनों पीओ के एग्ज़ाम्स दिए, तीनों के इंटरव्यू दिए मैंने, और आईबीपीएस में 23 मार्क्स अबव कट ऑफ आए, तो होपफुली उसमें भी हो जाएगा। SBI में हो गया, RRB में मेरे थोड़े से मार्क्स से मतलब नहीं हुए, इंटरव्यू में भी उतने मार्क्स नहीं मिले, और मेंस में भी मैंने 5 मार्क्स अबव कट ऑफ स्कोर किए थे, तो मुझे इंटरव्यू में अच्छा करना था, वो उतना हुआ नहीं, तो ये था प्रिपरेशन। तो यार मुझे सोनू ये बताओ, 0 मार्क्स जब आपके आए, तब आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे, और फिर आपके 0 के बाद मतलब आपने क्या चेंज किया, कैसे आपको पता लगा? जब आप, जैसे मेरी आपसे बात हुई तो आप बता रहे थे कि पहले मैं PDF वगैरह से इस तरीके से पढ़ता था, फिर आपको कैसे पता लगा मेरे बारे में, और फिर किस तरीके से आप पढ़ते थे? क्योंकि मेरा मकसद है, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके इंग्लिश में 0 आते होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मैथ्स में 0 कभी आए होंगे, हो सकता है किसी के GA में 0 नंबर आए होंगे, तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप 0 मार्क्स लेकर आ रहे हैं या बहुत कम नंबर लेकर आ रहे हैं, तो कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं? तो पहले तो ये बताइए, आपको कैसे पता लगा था कि आपके जब 0 नंबर आए, तो फिर कैसे आपने किसी से पूछा या किससे गाइडेंस ली कि तब आप हमारे पास आए? बताइए ज़रा कुछ इस बारे में। सर मैंने पजल्स वगैरह कभी बनाई नहीं थी, कभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मैंने पजल्स वगैरह कभी बनाई नहीं थी, तो रीजनिंग मेरा बिल्कुल ही डब्बा गोल था, तो 0 नंबर आए मेंस में मैंने बताया। फिर मेरा एक फ्रेंड है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अभी काम कर रहा है, IBPS PO 2022 से सेलेक्टेड था वो, आलोक रंजन नाम है उसका, तो उसने बताया आपके बारे में कि ये पुनीत सर हैं, ये मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ाते रहते हैं, ये नहीं कि पढ़ाया वीडियो डाला फिर गायब हो गए। तो उससे मैं कंसिस्टेंटली सुबह 5 से 7 या 7:30 डेली पढ़ता था, क्योंकि मेरा रीजनिंग ही एकलीज हील था एक तरह से, तो वो रीजनिंग का मैं कंसिस्टेंटली कुछ होना हो रीजनिंग पढ़ना इतना, बाकी फिर मैं सैटरडे संडे को जितना हो पाता था उतना पढ़ता था। रीजनिंग के लिए सर इन्हीं सर के मैं पीछे पड़ गया सारी वीडियो, हमारे प्यारे पुनीत सर। तो यार सुबह सुबह क्या चीज़ें मोटिवेट करती थी इसकी? मैंने तो पहला ऐसा बच्चा देखा है जो सुबह सुबह 5 से 7:30 या 7, क्योंकि उसके बाद ऑफिस जाना पड़ता था ना, कि 5 से 7 की रीजनिंग पढ़ रहा है, क्योंकि इतने कम नंबर आए उस वजह से उन्होंने पूरा कंसंट्रेशन उस वीक सब्जेक्ट को दे दिया, और सबसे पहले दिन की शुरुआत ही रीजनिंग से करी। तो क्या चीज़ें मोटिवेट करती थी कि सुबह आप रीजनिंग पढ़ रहे हो? मतलब ऐसा तो नहीं लगता था यार सुबह सुबह पढ़ना पड़ रहा है, बोरियत तो नहीं होती थी? कुछ बताओ ज़रा। सर मैं जब पिछले साल फेल हो गया था तो फिर 2-3 महीने मैंने बैंक का प्रिपरेशन छोड़ दिया था, फिर फ्रेंड ने बताया तो मई में मैंने दोबारा स्टार्ट किया।
सुबह उठने पे थोड़ा बहुत लगता है यार क्यों उठ रहे हैं, फिर सर थोड़ा हैं भगवान टाइप में विश्वास रखने वाले हैं सर, तो सुबह सुबह उठ के गुड मॉर्निंग एवरीवन प्यारे पुनीत सर की क्लास में, वो मेन डायलॉग जो है किसी का एक नंबर से रह जाता है, किसी का एक नंबर से हो जाता है, कोई तो होगा जो देख रहा होगा, यही सोच के कोई तो होगा देख रहा होगा, अगर ईमानदारी से करें तो हो ही जाएगा, तो यही हाँ ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा, तो यही सोच के मैं लगा रहता था, रीजनिंग को मैंने सोच लिया, रीजनिंग अच्छी करनी है तो करनी है, इस बार रीजनिंग की वजह से कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मतलब बेनिफिट हुआ फिर रीजनिंग पढ़ के। यस सर पक्का, तभी तो हुआ ना, क्योंकि सेक्शनल ही नहीं निकलेगा तो क्या ही होगा फिर। सही बात। अच्छा लाइए अब बात करते हैं कुछ और सब्जेक्ट के बारे में, जैसे मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप मुझे बता रहे थे कि इंग्लिश, तो इंग्लिश के बारे में आपका क्या कहना है, इंग्लिश की आपको नीड ही नहीं पड़ी या इंग्लिश आपकी पहले से अच्छी थी, क्योंकि मैंने आपके स्कोर कार्ड जो देखे अभी तो इंग्लिश में तो बहुत ही अच्छे आपके स्कोर कार्ड थे, तो इंग्लिश के बारे में कुछ बताइए, इंग्लिश के लिए आप क्या कर रहे थे या आपका पहले से कॉन्फिडेंस था कि। हाँ सर इंग्लिश मेरा पहले से अच्छा था, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, तो मेरा इंग्लिश पहले से अच्छा था, बस मेरे को ये फोकस करना था कि मैं आउट ऑफ टच ना रहूं, कि ऐसा नहीं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट होके जा रहा हूं और 5-10 मार्क्स कम स्कोर कर रहा हूं जितना मेरे को करना चाहिए, तो मैं ये सोच के जा रहा था कि इन टच रहूं, तो मॉक्स वगैरह लगा के जाता था और एक टीचर को मैं यूट्यूब पर फॉलो करता था, उनकी सुबह सुबह वीडियो बस इंग्लिश की थोड़ी बहुत देख लेता था। और ये और जीए में आपने कैसे, जीए की बात करूं, जैसे जीए बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान सुनना ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आएगा, बहुत लोग क्या करते हैं जो जीए को रटते रहते हैं, तो जब मेरी सोनू से बात हुई ना तो मेरे को एक बहुत अच्छा पॉइंट क्या देखने को मिला, सोनू ने क्या बोला कि सर मेरा इंटरेस्ट बन गया था जीए में ना, इंटरेस्ट बन गया था क्योंकि मुझे बैंकिंग में जाना था, और जब मेरा इंटरेस्ट बन गया तो मैं जो पढ़ता था ना, जो कोई भी न्यूज़ आ गई, कोई भी नई नई चीज़ें न्यूज़ आ गई, तो जब मैं पढ़ता था मुझे याद हो जाती थी, क्योंकि वो मैं एज अ बर्डन ट्रीट नहीं कर रहा था। अगर आप अपने सब्जेक्ट से प्यार करने लगोगे, चाहे वो जीए हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, तो वो चीज़ जब आपके बॉडी लैंग्वेज भी ना उसी तरीके से डील करेगी, जैसे इनके लिए इंग्लिश था उसको में तो प्रॉब्लम ही नहीं आई, बस टच में रहना था, जीए भी जब मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने इस तरीके से बताया कि इनका इंटरेस्ट बढ़ गया था, इंटरेस्ट आ गया था, तो इन्हें इतना ज़्यादा डिफिकल्ट जीए में नहीं चीज़ें फेस करने को मिली। बताइए जीए के बारे में कुछ अपना। हाँ सर, मतलब ये सब न्यूज़ में देखते रहता था कौन से बैंक ने कितने परसेंट क्या एक्वायर कर लिया, तो मतलब पढ़ते रहता था, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शुरू में आ गया, फिर उसके बाद इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, क्योंकि मैं समझ गया कि जॉब में मेरे को कुछ आगे दिख नहीं रहा तो बैंकिंग में ही जाना है, तो फिर इंटरेस्ट बढ़ते रह गया, तो चीज़ें आसानी से समझ में आने लगी बैंक में कि ये न्यूज़ को स्कीम लॉन्च किया इससे क्या फ़ायदा हो गया। तो जैसे मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने कुछ क्वेश्चन भी बताए थे कि कितनी डेप्थ में आजकल क्वेश्चन पूछने लग गया है एग्जामिनर, वो एक दो क्वेश्चन बताओ जिससे बच्चे को पता लगे कि चीज़ें हाँ इतनी ज़्यादा डेप्थ में भी पूछी जा रही हैं, एक दो क्वेश्चन बताओ वो जो। सर इस बार IBPS भी और मेंस में जैसे पूछ दिया कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाल्क स्टेट है, तो उसमें एक बोट सर्विस शुरू हुई है इंडिया श्रीलंका के बीच में, तो पूछ दिया कि उस बोट की डिस्टेंस, हाँ नॉट डिस्टेंस ट्रैवल की नॉटिकल माइल्स में कितनी, ऐसे करके कुछ पूछा था, डिस्टेंस या स्पीड के बारे में पूछ दिया कि कितनी नॉटिकल माइल्स है, तो ऐसे डेप्थ में पूछा। फिर एक नोबेल प्राइज़ का भी पूछा था कि खोज तो की है उन्होंने इस चीज़ की, लेकिन वो मेजरमेंट कितने माइक्रो कुछ का है, 10^-15 का कुछ था उन्होंने खोज किया था जो बाद में मैंने देखा, तो इतनी डेप्थ में उन्होंने चीज़ें पूछी, तो वरना मेरे स्कोर ज़्यादा आते जिस तरह से मैं पढ़ के गया था, डेली मैं PDF के नोट्स बनाता था, तो तब भी 13.75 ही है, ज़्यादा आने चाहिए थे पर डिफ़िकल्ट पूछा था इस वजह से उतने नहीं है। मोबाइल साइलेंट करो एक बार दोस्तों। और चीज़ क्या है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जब इनसे मैं बात कर रहा था तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे आपने देखा होगा अभी 0 नंबर से कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हो उस सब्जेक्ट में मेहनत करके, सब्जेक्ट से प्यार करने लगोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें अच्छी होती रहेंगी। अब मैं इनसे बात कर रहा था, जैसे मैं देखता हूँ बाकी लोग जब प्री निकाल के, जैसे क्लर्क का इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए, PO ही एग्ज़ाम देते थे, तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि वो फेल हो जाते हैं, जैसे ये RRB PO का इंटरव्यू इनका अच्छा नहीं गया इन्होंने मुझे बताया, तो उसके बाद इन्होंने उनमें क्या क्या चीज़ें करी
और उससे इन्होंने क्या क्या सीखा। कभी कभी बच्चे को क्या लगता है कि वो जैसे इन्होंने आरआरबी पीओबी इस बार क्वालिफाई किया था, जो कुछ मार्क्स इनका नहीं हो पाया इंटरव्यू में। आईबीपीएस पीओबी इन्होंने निकाला है 23 नंबर अप्रोक्स ज्यादा है ना, उसका भी इंटरव्यू देकर आए हैं। और एसबीए में पीओ में तो इनका सिलेक्शन ही हो गया है। तो मेरा आपसे कहना है, मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई ना कोई तो है जो आपको देख रहा है। तो इनका आरआरबी पीओ का इंटरव्यू खराब हुआ, इन्होंने बताया जैसे ही इंटरव्यू देने गए थे तो ब्लैकआउट हो गया था इनके आंखों के सामने। क्यों? ये गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश करना ही भूल गए, है ना। तो ये वहाँ से जो हमें लगता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत बेकार हो गए हैं। आरआरबी, कुछ बच्चे सोचते हैं यार आरआरबी पीओ का इंटरव्यू नहीं निकला, एसबीआई पीओ कैसे निकलेगा इंटरव्यू। तो अपनी कमियों को दूर करने का नाम ही जिंदगी है। अपनी कमियों को दूर करोगे तो आप एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लोगे। तो मुझे वो थोड़ा सा बताइए कि आपने आरआरबी पीओ से क्या लर्निंग सीखी इंटरव्यू से, जो आपने एसबीआई पीओ वाले में इंप्लीमेंट करी और आईबीपीएस में इंप्लीमेंट करी। सर, आरआरबी में मैंने बताया कि शुरू में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश करना ही भूल गया, तो ये चीज़ें मैंने टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। ये फिर मैंने कुछ चीज़ें करनी ही होती हैं, जैसे आपको गेट हल्के से ऐसे कर ओपन करके परमिशन लेनी होती है, फिर आराम से क्लोज कर देना है, और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश, कुछ चीज़ें ये मतलब बेसिक है जो टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, ये मैंने सीख लिया कि ऐसे नहीं। इसका रीजन बताओ। क्योंकि मैंने बच्चे को लगेगा यार गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून तो सभी बच्चे करते हैं, तो वो रीजन भी बताओ। सर वो थोड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, आप जब इंटरव्यू दोगे तो आपको पता लगेगा, ऐसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। वैसे आप कूल माइंडेड रहोगे, लोग से बात होते रहेगी, लेकिन जब पता चलेगा कि नेक्स्ट आप हो, उस टाइम दिल धक धक करने लगता है कि अच्छा नेक्स्ट आप हो, गेट पे खड़े हो, अंदर बेल बजेगी तो आपको अंदर जाना है। उस टाइम थोड़ा हो जाता है, उस टाइम आप प्रिपेयर करके जाओ तो हेल्पफुल रहता है ना, क्योंकि आप चीज़ छोड़ नहीं सकते कि मैं तो कर ही लूँगा, भूल भी सकते हो जैसे मेरे साथ हुआ। तो ये हुआ, प्लान तो था कि करना है, लेकिन सडनली ऐसा हुआ। वो डिस्टेंस वाली जो चीज़ बता रही थी, बहुत जल्दी बहुत पास रखा हुआ था, गेट ओपन करके इतनी दो या तीन कदम में आगे बढ़ा और वहीं पर चेयर रखी थी। एक सेकंड मैंने उनको देखा, फिर उन्होंने देखा कि ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उन्होंने बोला प्लीज़ सिट डाउन। उसके बाद इंटरव्यू शुरू हो गया मेरा, और उन्होंने काफ़ी रूरल एरियाज से क्वेश्चन पूछे मेरे से कि रूरल एरियाज में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने बताया एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, बी कीपिंग कर सकते हैं। फिर वो मेरे से पूछने लगे कि ये खरीफ और रवि क्रॉप्स क्या होती है, तो मैं पढ़ के गया था, बताया मैंने। और फिर पूछने लगे कि ये कौन से सीज़न में बोई जाती है, कौन से सीज़न में हार्वेस्ट, मतलब मंथ वाइज पूछा उन्होंने स्पेसिफिकली ऐसे करके कि ऐसे बताओ कौन से मंथ में बोई जाती है, कौन से मंथ में काटी जाती है, ऐसे करके। तो वो भी मैं पढ़ के गया था, तो मैंने बताया। लेकिन फिर उन्होंने मेरे को पकड़ लिया कि तुम नोएडा में रहते हो, आरआरबी में रूरल पोस्टिंग है, तुम कैसे सर्वाइव करोगे यहाँ। तो उस पर उन्होंने मेरे को बहुत देर घसीटा, कुछ कुछ करके उन्होंने मेरे को एक तरह से फंसा लिया था थोड़ा बहुत। मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि सर मैं यहाँ रहा हूँ इतने साल, फिर इंजीनियरिंग करने हरिद्वार भी गया हूँ, नोएडा में भी रह रहा हूँ, तो दो तीन जगह मैं रह चुका हूँ, तो यहाँ भी एडजस्ट कर लूँगा। फिर भी शायद वो माने नहीं, तभी शायद उन्होंने इंटरव्यू में उतने मार्क्स नहीं दिए। एसबीआई पीओ वाले इंटरव्यू में कैसा रहा, कैसा रहा जीडी ग्रुप डिस्कशन, कैसा रहा ग्रुप एक्सरसाइज, कैसी रही, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहो तो। सर एसबीआई का जीडी मेरा बहुत अच्छा गया था, और ग्रुप एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा गया था। इंटरव्यू अभी अबव एवरेज ही कहूँगा मैं, कुछ खास ब्लंडर मैंने किया नहीं। तो जीडी में टॉपिक मिला था हमें कि हाउ टू क्रिएट जॉब्स इन रूरल एरियाज, तो स्टार्ट मैंने ही किया। मैंने देखा आस पास वाले बच्चे हैं, टाइम मिला 5 मिनट, उन्होंने बोला कि 5 मिनट नोट डाउन योर पॉइंट्स एंड कैरी योर थॉट्स एंड देन स्टार्ट द डिस्कशन। तो मैं देख रहा हूँ लेफ्ट राइट, कोई लग नहीं रहा कि कोई रेड एयर, सब पेन लेके लिखने का नाटक कर रहे थे 4-5 महीने के होने के। ग्रुप में कितने मेंबर थे आपके अलावा? मैं टोटल 10 थे। टोटल 10 आपको मिला के? हाँ, 5 मेरे राइट में थे, 4 मेरे लेफ्ट में थे। मैं लगभग मिडल में था, तो मैं देख रहा हूँ लेफ्ट राइट थोड़ा मूव करके कि कोई इंटरेस्टेड नहीं लग रहा। जितना लिखना होता है 5 मिनट काफ़ी होते हैं इतना लिखने के लिए, तो मेरे को लगा कि शायद थोड़े नर्वस लग रहे हैं लोग।
नोट्स कर लिए लोगों ने पॉइंट, फिर भी बोल नहीं रहे या लिखने की एक्टिंग कर रहे हैं ऐसा मेरे को लगा। तो मैंने थोड़ा और वेट करके फिर मैंने शुरू कर दिया, तो जीडी मेरा बहुत अच्छा गया। उन्होंने मैंने शुरू किया कि हम क्रिएट कर सकते हैं जॉब एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के से, फिर हनी कीपिंग, फिर हम किसान क्रेडिट कार्ड से काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देके 4% इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है अगर आप 3 लाख तक के लोन लेते हैं और एक साल में चुका देते हैं। तो काफ़ी मैं पढ़ के गया था, तो वो मैंने बोला, फिर मैं चुप हो गया लोगों को बोलने देने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि लेट एवरीवन स्पीक एंड शेयर, लेट देम शेयर देयर थॉट्स एज वेल। तो मैं चुप हो गया, फिर बीच बीच में मैं बोलता रहा, फिर लोग बहुत ज़्यादा एक टाइम पे आके सर उसमें घुस गए कि एजुकेशन बहुत कर रहे थे कि एजुकेशन ऐसे करना चाहिए, इस तरह से एजुकेशन देना चाहिए। तो मैंने बोला फिर कि सर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स वी हैव सीन दैट इन रिसेंट टाइम्स दैट हायर द एजुकेशन लेवल हायर हैज़ बीन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इस पे सारे ग्रुप वाले सब यस करने लगे, तो मेरे को लगा हाँ ठीक है ये पॉइंट काम कर गया। उसके बाद फिर बीच बीच में मैं एक आध चीज़ें बोलते रहा, तो ये पॉइंट मेरे को लगा कि इससे सब इम्प्रेस हो गए, और ग्रुप के एंड पे भी जो मेंबर जज करने वाले सर थे वो मेरे को देख के वो एड्रेस कर रहे थे, मेरे को लगा हाँ मार्क्स अच्छे देंगे। अभी तो गुड वाइब्स आ रही थी ग्रुप वाले। तो सोनू बहुत अच्छा लगा बात करके, मुझे लगता है काफ़ी बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। जो मैंने आज सोनू की बातों से समझा वो ये समझा कि आपके साथ कुछ भी गलत होता है उसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ से हार के थक कर बैठ जाएं। मैं हमेशा अपनी क्लास में आप लोगों को यही गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि RRB नहीं हुआ, उसकी लर्निंग्स जो आपने सीखी उस फेलियर से सीखिए, है ना, क्योंकि फेलियर ना सर इंटरव्यू में मैं RRB का इंटरव्यू देख के आया। तो जब मार्क्स कमाते हैं ना, नहीं सिलेक्शन होता, तो आप बहुत चीज़ें ढूंढने लगते हो किस वजह से नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। तो वो तो मैंने आपको बताया कि विश करना भूल गया, वो मेरी गलती थी। और उसके अलावा मैं सर थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे देता था, थोड़ा सोचता भी कम था, और ऐसा लगता था कि ये बस बोलने के लिए जवाब दे रहा है, क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, इंटरेस्ट बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो ऐसा मैं था, लेकिन फिर भी मैं सोचता था कि लड़कों को कम मार्क्स देते हैं, लड़कियों को अच्छे मार्क्स देते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ऐसा है, फिर मैंने अपनी बहन से बात करी, तो उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, लड़कों को बात करने की तमीज़ नहीं है, अकल नहीं है, वो लोग बस खड़ा खड़ा जवाब देते हैं। तो फिर मैंने काम किया इस पर, वीडियो बनाता था मोबाइल पे कि किस तरह से लगे कि वो जवाब देते टाइम उनको लगे कि ये इंटरेस्ट लेके बोल रहा है। इंटरेस्ट मेरा था, लेकिन वो मैं दिखा नहीं पा रहा था, ये था। तो वो मैं वीडियो बना के बहन को दिखाता था कि लग रहा है थोड़ा कि इंटरेस्ट लग रहा है, तो उस पे मैंने उस तरह से काम किया। चलो तो दोस्तों अपनी कमियों पर काम कीजिए और इस तरीके से अपनी लर्निंग्स को बढ़ाते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत करते रहिए, जिसमें भी आप जिस भी सब्जेक्ट में वीक हो उस पर काम कीजिए, बाकी सब्जेक्ट को भी साथ में लेके चलिए, और अगर सोनू कर सकते हैं तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं, यही मेरा आपसे कहना है। और हाँ, सबसे पहली चीज़ ये बताओ, मिठाई में कौन सी लेकर आए हो ये भी तो बताओ। सर काजू कतली। अच्छा काजू कतली, तो भाई जिस तरीके से सोनू आज काजू कतली खिला रहे हैं तो एक मिठाई आपकी भी बनती है। मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ मेहनत यहाँ कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये दिन हर एक के नसीब में नहीं आता है, है ना। और मैं चाहूँगा आप भी इस तरीके से पढ़ें, सिलेक्शन लें, और आप भी अपने हिस्से की मिठाई भिजवा नहीं सकते तो आप आएँ, लेकिन सिलेक्शन ज़रूर लें। मकसद मिठाई का नहीं है, मकसद है आपके सिलेक्शन लेने का। और मेरी दुआएं हैं आप सभी के साथ, अगर आप नेक मकसद से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ऊपर वाला देख रहा है। ऐसे सुबह सुबह सोनू को देखता था और उसको याद रहेगी ये वर्डिंग, एक नंबर से हो जाता है, एक नंबर से हो जाएगा, या एक नंबर से रह जाता है किसी का, या एक नंबर से किसी का हो जाता है। याद रखे, कोई तो है जो हर समय सबको देख रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, लगे रहिए। थैंक यू सो मच।